जीत क्या है? जब आप अपनी मंजिल को इतना चाहो कि पूरी दुनिया आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाए, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग लेकर आया है जीत की प्रतिज्ञा सेल 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। यहां पर सभी सुपर कोचिंग के कोर्सेस पे आपको मिल रहे हैं अप टू 90% तक के डिस्काउंट्स। आशा करते हैं कि आपकी ये जो प्रतिज्ञा है गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने की, वो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की मदद से और आपकी मेहनत से पूरी हो। तो आज ही जाइए और एनरोल कीजिए। जीत क्या है? जब हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन? इज ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? वी आर लाइव नाउ, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्टबुक गाइस। सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन देंगे। सुन पा रहे हैं कंफर्मेशन दो यार, इस ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन टू ईच एंड एवरीवन। सो गाइस, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो रिक्रूटमेंट आया था, जहां पर आपको भी पता है करीब करीब 4000 के आसपास पोस्ट थी स्टाइपेंडरी ट्रेनी 1, स्टाइपेंडरी ट्रेनी 2, और अगर हम बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर्स की। तो फाइनली आप सभी के मन में ये काफी समय से डाउट था कि सर डिप्लोमा वाले बच्चे, स्टाइपेंडरी ट्रेनी 1 वाले बच्चे, स्टाइपेंडरी ट्रेनी 2 यानी कि ITI वाले बच्चे और जो बीटेक वाले बच्चे थे वो टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए हमारे एलिजिबल थे, तो इन सभी का जो पर्टिकुलर है वो एग्जाम कब होगा या टेक्निकल ऑफिसर का इंटरव्यू होने वाला है वो कब होगा। तो फाइनली बार्क का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, बार्क का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि सबसे पहले तो बार्क ने ये बोला है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी TCS ही है और लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया है कि कहां कहां पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पे सारे IOM डिजिटल जोन में एग्जाम होने वाला है। आंध्र प्रदेश के अंदर बात करें तो अमरावती, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, डिसपुर, आसाम में पटना, रायपुर, दिल्ली, पणजी, अहमदाबाद, बड़ौदा, शिमला, चंडीगढ़, श्रीनगर, रांची, बेंगलुरु, और अगर हम बात करें एर्नाकुलम या बात करूं तिरुवनंतपुरम, भोपाल, इंदौर, या मैं अगर बात करूं तो ये सारे आपके एग्जाम सेंटर्स आए हुए हैं। तो अभी बार्क ने ऑफिशियली आपको ये बोल दिया गया कि भाई हमने एग्जाम सेंटर आपके सामने बता दिए गए हैं और एग्जाम की जो ऑफिशियल डेट है, ठीक है, वो हम शॉर्टली बताएंगे। तो ये इन्होंने ये बोल दिया कि हम एग्जाम की डेट जो है वो शॉर्टली बताएंगे, लेकिन उन्होंने यहां पर एक चीज और क्लियर करी कि भाई एग्जाम होगा कब, मतलब भाई इसी साल होगा कि नहीं होगा, काफी लंबा समय हो गया। तो अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने बता दिया है स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 का पेपर 00002023 को 3 शिफ्ट में होने वाला है। डेट आपके सामने आ जाएगी भाई, एकदम सस्पेंस क्रिएट करके रखा है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट में है। देन बात करूं तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी 2 की अगर मैं बात करूं तो 1 शिफ्ट में, ऑल इंडिया बेसिस का पेपर है, एक ही पेपर होने वाला है मॉर्निंग शिफ्ट में, बात खत्म हो गई। तो भाई जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 वाले बच्चे हैं, ITI वाले बच्चे, उनको पता है कि उनका पहला पेपर आप एक ही पेपर है आपका और एक ही पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है, डेट अभी लोग ने बताई नहीं। और अगर कैटेगरी 1 वाले की बात करूं तो कैटेगरी वाला 1 जो है वो 3 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में, और ये इसकी डेट भी इन्होंने बताई नहीं। मतलब कुल मिला के भाई सारी चीजें प्रोसेस में है, कभी भी एकदम धमाका हो सकता है, कल परसों नरसों हफ्ते भर में या 10-15 दिन के अंदर अंदर कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। और अगर आप मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि जहां तक आपका एग्जाम वर्स्ट केस में 1 महीने से ज्यादा डिले नहीं होगा। तो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी बच्चे ITI वाले हैं या डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, बढ़िया तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करते रहिए। चलिए, इस तरीके की न्यूज के लिए हम लोग और मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।